जनपद राजनंद गांव में माओवाद से प्रभावित क्षेत्र मानपुर में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सभा से ठीक एक घंटे पहले नक्सलियों ने रविवार को आईईडी ब्लास्ट कर दिया। एक के बाद एक तीन आईईडी ब्लास्ट में आईटीबीपी का एक जवान गंभीर रूप से घायल हो गया, वहीं कई और जवानों को के भी घायल होने की सूचना मिल रही है। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर की मालपुर में एक बड़ी रैली के बाद जनसभा को संबोधित करना था। इससे पहले ही नक्सलियों ने तीन धमाके करके अपनी सशक्त मौजूदगी का एहसास एक बार फिर करा दिया है। बताया जा रहा है सीएम की सभा से 3 किलोमीटर दूर सुरक्षा में तैनात जवान रविवार सुबह सर्चिंग पर निकले थे। वो रोड पर ओपनिंग पार्टी के साथ सड़कों पर सुरक्षा सुनिश्चित करने जवान सर्च कर रहे थे। इसी बीच एक के बाद एक तीन आईईडी ब्लास्ट नक्सलियों ने कर दिए। वहीं ब्लास्ट के बाद जिला पुलिस बल के साथ आईटीबीपी के जवान जंगल में घुसकर सर्चिंग अभियान चला रहे हैं। वहीं बताया जा रहा है कि नक्सलियों ने मानपुर से सटे गांवों में बीती रात बड़ी संख्या में दल बल के साथ पहुंचकर चुनाव बहिष्कार का बैनर व पोस्टर चिपकाया है। इसके साथ ग्रामीणों को लोकसभा चुनाव से दूर रहने की भी हिदायत दी है। ऐसे में जवान बैनर पोस्टर जब्त करते हुए सर्चिंग कर रहे थे। वहीं इसी बीच तीन धमाकों से पूरा गाँव दहल गया। वहीं घटना स्थल से जवानों ने आईईडी ब्लास्ट में उपयुक्त तार और अन्य सामान बरामद किया है। वहीं घायल जवान को जिला मुख्यालय भेजने की तैयारी की जा रही है। टीवी वन इंडिया न्यूज के लिए नितिन कुमार भांडेकर की रिपोर्ट, छत्तीसगढ़। बहुचर्चित अंतागढ़ टेप कांड मामले में गठित एसआईटी जांच पर बीजेपी ने सवाल खड़ा किया है। बीजेपी ने चुनाव आयोग से शिकायत करते हुए रायपुर एसपी और ईओडब्ल्यू आईजी जीपी सिंह को हटाने की मांग की है। शिकायतकर्ता बीजेपी नेता नरेश चंद्र गुप्ता का आरोप है कि मुख्यमंत्री के दबाव में एसआईटी की जांच के बिंदु मीडिया से साझा किए जा रहे हैं। ऐसे जिम्मेदारों को पद से हटाया जाना चाहिए, इसे लेकर चुनाव आयोग से उन्होंने शिकायत भी की है। गुप्ता का आरोप है कि जांच के दौरान एकत्रित किए गए साक्ष्य को पुलिस कांग्रेस को उपलब्ध करा रही है, इसलिए बीजेपी ने चुनाव आयोग से इस मामले की शिकायत करते हुए रायपुर एसपी और आईजी जीपी सिंह को हटाने की मांग की है। बता दें कि फिरोज सिद्दीकी ने एसआईटी टीम को अंतागढ़ टेप कांड से जुड़ी कुछ सबूत के तौर पर सीडी और पेनड्राइव दिया था, जिसके बाद वही सीडी का वीडियो मीडिया और समाचार पत्रों में छापा गया था, जिसमें कुछ लोगों के साथ की गई बातचीत की रिकॉर्डिंग। टीवी वन इंडिया न्यूज के लिए नितिन भांडेकर की रिपोर्ट, छत्तीसगढ़। बीजेपी के राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति अध्यक्ष व राज्यसभा सांसद रामविचार नेताम ने अपनी चुनौती में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के असफल होने के बाद कहा है कि मुख्यमंत्री प्रदेश का मुखिया होता है, उसे लफ्फाजी से लोगों का मनोरंजन करने के बजाय अपने कामों से लोगों के दिलों में जगह बनानी चाहिए। उन्होंने कहा, कांग्रेस पार्टी 15 लाख पर झूठ बोलना बंद कर दे, क्योंकि काट की हंडी बार बार नहीं चढ़ती। वहीं नेताम ने कहा कि भूपेश बघेल के फेल होने के बाद अब यह चैलेंज राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को है कि वह वीडियो देश के किसी भी कोने से ले आए और उन्हें 1 करोड़ रुपए भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ अपने कार्यकर्ताओं से चंदा लगा कर दे। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करोड़ों देशवासियों के दिल में रहते हैं, चाहे वह अमीर हो, गरीब हो, मजदूर हो, छात्र हो, नौजवान हो, किसान हो, उन सभी के दिलों में वे बसते हैं। 23 मई 2019 को मतगणना के बाद भाजपा के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनना तय है। टीवी वन इंडिया न्यूज के लिए नितिन कुमार भांडेकर की रिपोर्ट, छत्तीसगढ़। राजनंदगांव जिले के मानपुर इलाके में एक बार फिर नक्सली हमला हुआ, जिसके बाद नक्सलवाद को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि कांग्रेस ने घोषणा पत्र में राष्ट्रद्रोह की धारा 124 को समाप्त करने का वादा किया है। ऐसा करने पर पैरामिलिट्री फोर्सेस को दिए गए स्पेशल पावर भी खत्म हो जाएंगे, जिससे जम्मू कश्मीर से लेकर बस्तर तक फोर्स की ताकत कम हो जाएगी, वहीं जिससे आतंकवाद और नक्सलवाद एक बार फिर बढ़ जाएगा। आगे उन्होंने कहा कि ऐसा करने से देशद्रोहियों को खुले आम भारत में विरोध के नारे लगाने और अन्य गतिविधियों को करने में ताकत मिलेगी, वहीं नक्सलवाद सर उठाएगा। उन्होंने कहा कि आप देख सकते हैं कि 100 दिन में कांग्रेस के राज में क्या हालत हो गई है। बता दें कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में राष्ट्रद्रोह की धारा 124 ए को समाप्त करने का वादा किया गया है, जिसके बाद देश में कांग्रेस के घोषणा पत्र की आलोचना करते हुए राष्ट्र विरोधी ताकतों को बढ़ावा देने का आरोप बीजेपी लगा रही है। टीवी वन इंडिया न्यूज के लिए नितिन कुमार भांडेकर की रिपोर्ट, छत्तीसगढ़।